नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ की चर्चा। बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से सतर्कता बरतने को कहा। कोरोना का कहर जारी, दिल्ली में लगातार चौथे दिन हुई कोरोना से करीब 100 से ज्यादा मौतें। आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक खत्म। लॉकडाउन में बेहतरीन काम करने वाले कोरोना योद्धाओं को संघ करेगा सम्मानित। कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ के मामले में 27 नवंबर को बंबई हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। देश के कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। जजों ने कहा देश में हालात बदतर हो सकते हैं। आजम खां की मुश्किलों में हुआ इजाफा। ईडी के बाद अब सीबीआई भी कानून का शिकंजा कसने को तैयार। कोरोना के खतरे को देखते हुए योगी सरकार सख्त। 100 से ज्यादा लोगों की हुई मेहमान नवाजी तो दर्ज होगी एफआईआर। बैंड और डीजे पर भी लगी रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मार देने की धमकी देने वाले नाबालिग को लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी 112 सेवा के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा भेजा था संदेश। राम नाम के जय घोष के साथ अयोध्या में 14 कोशी परिक्रमा जारी। बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन। पिछले साल करीब 15 लाख आए थे श्रद्धालु। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर योगी सरकार को लगा झटका। हाईकोर्ट ने कहा किसी भी धर्म के व्यक्ति को पसंद का साथी चुनने का अधिकार। लव जिहाद के खिलाफ कवायद हुई तेज। कैबिनेट में पारित हो सकता है कानून। 4 दिन पहले भेजा गया था प्रस्ताव। शादी के 1 महीने पहले डीएम को देना होगा प्रार्थना पत्र। लव जिहाद के खिलाफ वीएचपी के धरने में मनचले ने बीजेपी नेत्री के साथ की बदसलूकी। पीड़ित ने पुलिस के सामने चप्पलों से पीटा। एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर बिल्डिंग में मारी टक्कर। ट्रक की टक्कर से बिल्डिंग हुई क्षतिग्रस्त। कोतवाली नगर शिकोहाबाद रोड का मामला। पीलीभीत में थाना प्रभारी की गुंडई आई सामने। प्रभारी कमल सिंह यादव की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जमीनी विवाद सुलझाने गए थे थाना इंचार्ज। बातचीत के दौरान वकील से किया अभद्रता। सहारनपुर में बदमाशों ने दी पुलिस को चुनौती। युवक का पीछा कर घर में घुसकर लूट की घटना को दिया अंजाम। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में दीवान शुगर मिल में एक ऑपरेटर की संदिग्ध मौत के बाद मचा हड़कंप। मृतक के परिवार वालों ने हत्या का लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी में दबंगों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। चौकी परिसर में ही दबंगों ने की जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव में औचक निरीक्षण से कई विभागों में मचा हड़कंप। उप जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा ने हसनगंज स्थित विकासखंड कार्यालय सहित सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। सहारनपुर में 13 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से मचा हड़कंप। 3 दिन से लापता था बच्चा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में सड़क पर दिखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। वन विभाग की टीम कॉम्बिंग करने में जुटी। अलीगढ़ में शराबियों ने किया पुलिस पर हमला। देर रात झगड़े की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। घटना का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। प्रतीत नगर रायवाला संपर्क मार्ग निर्माण कार्य के दौरान एक के बाद एक खामियां आ रही सामने। सड़क चौड़ीकरण का कार्य हुआ शुरू, मगर सड़क के दोनों ओर बनने वाली निकासी नली नहीं बनाई जा रही। उत्तराखंड की महिलाओं को अब संपत्ति में मिलेगा मालिकाना हक। उत्तराखंड के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा करते हुए खेला नया मास्टर स्ट्रोक। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस कदम से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों में मचा सियासी घमासान। इस मुद्दे को लेकर सियासी गलियारे में खींचतान बढ़ना तय। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।